मोटो वन फ्यूजन प्लस का कैमरा रिव्यू हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा था। काफ़ी सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया कि भाई जी कैम इस पर इंस्टॉल करो और रिजल्ट कैसा आता है। मैंने इंस्टॉल किया और जो रिजल्ट्स था काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज किया मेरे को। मैंने इसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया, बहुत सारे लोग सरप्राइज है, कह रहे थे लगभग फ्लैगशिप परफॉर्मेंस आ रहा है काफ़ी सारे शॉट्स पे। तो इस वीडियो में इसका कंपैरिजन दिखाने वाला हूं। एक फोटो मैंने स्टॉक कैमरा से लिया है और एक फोटो मैंने जी कैम से लिया है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी कैम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सिंपल प्रोसेस है, बस इंस्टॉल करना है, वो आप कोई भी कर लेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड में आपको स्टॉक कैमरा का फोटो मिल जाता है और राइट साइड में जी कैम का फोटो है। सबसे पहले डिफरेंस आप नोटिस करेंगे कि डायनेमिक रेंज जी कैम वाले फोटो में काफी बढ़िया मिल जाता है। जैसे अगर मैं इस एरिया पे जूम करूं तो यहां पे आप नोटिस करेंगे कि स्टॉक वाले फोटो पे काफी ज्यादा डार्क है और यहां पे अच्छे तरीके से इसने एक्सपोज कर रखा है। अगर मैं इस साइड पे जाऊं जैसे यहां पे भी, तो आप नोटिस करेंगे कि एक्सपोजर जो है इसने काफी सही तरीके से मेंटेन कर रखा है। यहाँ पे हल्का सा डार्क हो गया, यहाँ पे ब्राइट है। फिर आप नोटिस करेंगे ग्रास में भी डिफरेंस है। ग्रास बिल्कुल यहाँ पे रियलिस्टिक लग रहा है, यहाँ पे इसने हल्का सा डार्क कर दिया। और सेम डिफरेंस आप स्काई पे भी नोटिस करेंगे। अगर मैं स्काई पे ले जाऊं यहाँ पर, तो इसने काफी लाइट ब्लू सा कर दिया है और यहाँ पे जो रियलिस्टिक कलर है वो बिल्कुल मेंटेन्ड है। इस फोटो में भी आप क्लियरली नोटिस करोगे डायनेमिक रेंज जी कैम वाले फोटो में ज्यादा बेटर है। अगर मैं इस एरिया में जूम करूंगा तो आप ज्यादा नोटिस कर पाओगे। देख सकते हैं कि ये वाला एरिया स्टॉक वाले फोटो में बिल्कुल ही डार्क हो चुका है, डिटेल्स नहीं नजर आ रहे हैं लीव्स पे, पर यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा बड़ा डिफरेंस मैं यहाँ पे इस एरिया में दिखाता हूँ। ये वाला एरिया देखना और यहाँ पे देखना, ह्यूज डिफरेंस आप नोटिस कर पाओगे। ये वाला फोटो मेरे को दोनों ही कैमरा का अच्छा लगा, पर अगर आप देखोगे मैं फुल जूम पे हूँ, यहाँ पे ज्यादा डिटेल नजर आएगा जी कैम वाले फोटो पे। अगर मैं कंप्लीटली जूम आउट करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा है, और यहाँ पे यस, अगर मैं जूम आउट कर दूं दोनों ही रिजल्ट्स काफी ज्यादा कंपेरेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ज्यादा डिटेल्स मेरे को जी कैम वाले फोटो में दिखा। इस वाले सैंपल में मेरे हिसाब से दोनों ने काफी बढ़िया काम किया, पर ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे मैं जूम करूंगा हम देख सकते हैं ये हल्का सा डार्क हो चुका है, पर ये वाला एरिया अभी भी अच्छे तरीके से विल एक्सपोज्ड है, या जो ग्रीन कलर है उसने रिटेन कर रखा है। नेट पिकिंग है, पर यहाँ पे जो स्काई का कलर है वो हल्का सा कम ब्लू लग रहा है, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक पोर्ट्रेट फोटो सैंपल है जी कैम और स्टॉक कैम का। आप नोटिस करेंगे स्ट्रेट अवे कि स्टॉक कैमरा में ना थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर दिया इसने फेस को, और इसने बिल्कुल ओवर एक्सपोज नहीं किया, बिल्कुल जैसा रियलिटी है वो दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे ब्यूटीफाई ऑफ है, ठीक है, फिर भी इसने हल्का सा डिफरेंट लेवल का प्रोसेसिंग किया है। सेकंड चीज जो मेरे को काफी बढ़िया लगा वो था ब्लर। अगर आप यहाँ पे ब्लर देखोगे ना, काफी ज्यादा नेचुरल लग रहा है। यहाँ पे ऑटो ब्लर पे था, मतलब मैं ब्लर वापस कम ज्यादा कर सकता था स्टॉक कैम में, पर थोड़ा सा ज्यादा आर्टिफिशियल या चीप लुकिंग लग रहा है। एज डिटेक्शन भी कैप के साइड थोड़ा सा हल्का सा बेटर लग रहा है जी कैम वाले फोटो पे। मेरे हिसाब से सेल्फीज में आप ज्यादा डिफरेंस नोटिस करोगे। जैसे यहाँ पे स्टॉक वाले फोटो पे आप देख सकते हैं क्लियरली ओवर एक्सपोज है और डायनेमिक रेंज इतना बढ़िया नहीं है। अगर मैं इस पेड़ या इस बिल्डिंग की तरफ जूम इन करूंगा तो आप नोटिस करेंगे कि इसका जो बॉर्डर्स है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल मिल चुका है स्काई के साथ, पर यहाँ पे ग्रीन्स हो गया या बॉर्डर हो गया अच्छे तरीके से मेंटेन है। उसके अलावा आप ये भी नोटिस करोगे कि मेरा फेस जो है यहाँ पे बिल्कुल रियलिस्टिक है, ठीक है, और यहाँ पे जबकि मैंने ब्यूटीफाई मोड वगैरह कम्प्लीटली ऑफ कर रखा है, इसने किसी ना किसी तरीके का प्रोसेसिंग कर रखा है। ऑफ कोर्स देखने में तो बढ़िया लग रहा है पर रियलिटी यहाँ पे नहीं है, और स्काई मेरे को ज्यादा क्लियर लग रहा है यहाँ पर जी कैम वाले रिजल्ट में। यहाँ पे कम्प्लीटली ओवर एक्सपोज है, स्पेशली इस एरिया पे देखना और यहाँ पे देखना, डिफरेंस तो है। यहाँ पे क्लासिक जी कैम वाला रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। डायनेमिक रेंज ऑफ कोर्स काफी ज्यादा बेटर है जी कैम वाले रिजल्ट में। काफी लोगों को स्टॉक कैमरा का फोटो अच्छा लगेगा क्योंकि फेस काफी अच्छे तरीके से एक्सपोज है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्काई भी अच्छे तरीके से एक्सपोज है और फेस भी। बस एक चीज मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, ये इसने ग्रीन ग्रास को ज्यादा ही पॉप आउट सा कर दिया है। उसके अलावा जी कैम वाला रिजल्ट मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, स्काई अच्छे तरीके से विजिबल है, देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल वॉश्ड आउट स्काई है और यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल्स हमें विजिबल है। इस पोर्ट्रेट फोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी फेस को थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोज कर रखा है और यहाँ पे फेस में ज्यादा डिटेल्स भी नजर आ रहा है, एंड सेकेंडली रियलिस्टिक लग रहा है, जैसा मैं हूँ वैसा दिखा रहा है। एंड अगर इस एरिया पर नोटिस करोगे ना, इसने काफी ज्यादा ओवर एक्सपोज कर रखा है, पर यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है एक्सपोजर, मतलब डायनेमिक रेंज भी बढ़िया है। एंड ऑफ कोर्स कोई भी कहेगा कि इसका जो ब्लर है वो काफी ज्यादा नेचुरल लग रहा है, यहाँ पे आर्टिफिशियल लग रहा है, पर एज डिटेक्शन दोनों में ही बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जी कैम में ज्यादा बेटर लग रहा है। इस एरिया में हल्का सा गलती कर दिया,
पर उसके अलावा बाकी सब चीज, चाहे वो स्किन टोन हो या शर्ट में जो टेक्सचर हो, सब चीज मेरे को ज्यादा सुपीरियर लग रहा है जी कैम वाले फोटो में। जी कैम से आप ऑब्जेक्ट्स का भी फोटो ले सकते हैं, और एक बेनिफिट यहाँ पे स्टॉक कैम का ये है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है। अगर नोटिस करेंगे, मैंने दोनों को सेम डिस्टेंस से लिया था पर फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे ज्यादा है, पर जूम इन करने के बाद डिटेल्स मेरे को जी कैम वाले फोटोज में ज्यादा नजर आया। आप देख सकते हैं डिटेल्स यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे गायब भी हो चुका है ये, जो अगर आप इस एरिया पे देखोगे ना तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स, वो नजर आ रहे हैं क्लियरली, पर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। एंड ओवरऑल ब्लर वगैरह भी मेरे को ज्यादा बेटर लगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बायस्ड हो सकता हूँ पर हल्का सा ज्यादा बेटर लगा मेरे को जी कैम वाले फोटो में। एक और लैंडस्केप फोटो में दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्काई टाइनी बिट बढ़िया लग रहा है जी कैम वाले फोटो में, हल्का सा यहाँ पे ज्यादा व्हाइट लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा ब्लू लग रहा है। उसके अलावा अगर मैं जूम इन करूँ ना तो जी कैम वाले फोटो में मैंने ज्यादा डिटेल्स नोटिस किया, जैसे इस पेड़ पे अगर मैं जूम इन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली वॉश्ड आउट सा लग रहा है और यहाँ पे अभी भी ग्रीन्स मेंटेन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेइश व्हाइटिश कर दिया है। और वही है जब हम यहाँ पे भी ज्यादा जूम इन करेंगे कुछ इस लेवल पे, तो आप नोटिस करेंगे कि हल्का सा टाइनी बिट ज्यादा डिटेल आपको यहाँ पे नजर आएगा जो यहाँ पे मिसिंग है। तो जैसे आप सबने देखा, मेरे को तो गूगल कैमरा का फोटोज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब रियलिस्टिक लग रहा था। अगर मैं स्टॉक कैमरा के कंपैरिजन में करूँ, डायनामिक रेंज सेल्फी में मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, या डिटेल्स हो गया स्पेशली पोर्ट्रेट मोड में डिटेल्स वगैरह मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो ये एक टेस्ट है जो काफ़ी लोगों को पसंद आएगा, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप सेल्फी की फ़ोटोज़ देखोगे थोड़ा सा डार्क लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, ब्यूटीफाई वगैरह नहीं करता है। तो ये एक एक्वायर्ड टेस्ट है, जिन्हें पसंद आएगा गूगल कैमरा उनको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो ओवरऑल मैं रेकमेंड करूँगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा गूगल कैमरा का, आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छा खासा रिजल्ट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।